इलेक्शन तो होते हैं अमन के लिए, इलेक्शन होते हैं किसी रियासत की खैर ख्वाही के लिए, इलेक्शन होते हैं माशरे की ग्रोथ के लिए। ये तो इन्होंने जो है बड़े अरसे से हमारी बर्बादी का मामला सोच रखा है। इमरान खान के मुखालिफ सियासतदान है, उनको जिताया जा रहा है, वो जीत अपनी जो है इनके आगे फेंक के कह रहे हैं बाबा माफ करो हमें, हम इस फसाद में आते ही नहीं है। वो समझ गए हैं कि ये कुछ और करना चाह रहे हैं। ये साइफर के हवाले से जो अल्फाज है ना, उनके अंदर ये प्रूफ है, तेरी गलती माफ कर देंगे अगर तू ये करेगा। भाई कौन सी गलती? गलती यही है कि तू तो हमारे साथ वादा करके लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं गाज़ब अली शाद साहब। कई माह से कह रहे थे कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि इंतखाब नहीं होगा बल्कि फसाद होगा। आज इनसे पूछते हैं कि इनकी कौन सी इस तरह की इंतखाबात के हवाले से, हुकूमत के हवाले से पेशगोइयाँ की गई थी जो पूरी हुई हैं, और अब क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है। जनाब गाज़ब अली शाद साहब और सवाल ये भी करेंगे कि जिस तरह से ये कहते थे कि सारा कुछ पाकिस्तान में डिक्टेशन के मुताबिक हो रहा है, तो डिक्टेशन वालों ने भी कह दिया है तुसी की कीता। जनाब शुक्रिया जनाब। ऐसा है कि अस्टार की पोजीशन के हवाले से जो असरार नज़र आ रहे थे, या मतलब इलेक्शन के दिनों में जो पोजीशन बन रही थी स्टार की, अलावा जो है बंद कमरों में जो बातें होती हैं वो रूहानी तौर पे जो अंदाज़ा हो रहा था, उस हवाले से जो कहा, मैं आज भी जो है मतलब इलेक्शन के 3-4 दिन पहले से ले के मतलब अब जो है वो लोग खामोश हुए हैं, उनको मतलब इस चीज़ का जवाब मिल गया है जो आप भी सवाल कर रहे हैं कि मतलब लोग कहते थे कि जी इलेक्शन को तो 4-5 दिन रह गए हैं जी, अब आप क्या कहते हैं जी। और मेरे यही अल्फाज थे, मतलब इलेक्शन नहीं, मुझे तो फसाद होता नज़र आ रहा है। अब जो है ये इलेक्शन से ज़्यादा घड़त सिलेक्शन है, और घड़त भी बड़ी कुड किस्म की है, और ये कुड किस्म की जानबूझ के की जा रही है। कुड क्या होता है? पंजाबी का लफ्ज है कुड, यानी वो छुरी जिसको जो है अच्छा, कोई तेजी नहीं है, कुंडी कुंडी, अच्छा कुंद कुंद जा, कुंद कुंद, अच्छा यानी जो किसी काम की नहीं होती। तो ये इस तरह की सूरतेहाल जो है कोई जानबूझ के कर रहे हैं, और जो है कराया जा रहा है। ये अभी मुल्क में फसाद बढ़ेंगे, ये इलेक्शन कराना मंजूर था ही नहीं, ये तो फसाद डालना मतलब मंजूर था। और जो है यही मैं बार बार कि इलेक्शन नहीं, मुझे तो फसाद पड़ते ही नज़र आ रहे हैं, और वही फसाद पड़ा हुआ है। अब जो है कुछ वो जैसे जो है मतलब इमरान खान के मुखालिफ सियासतदान है, उनको जिताया जा रहा है, वो जीत अपनी जो है इनके आगे फेंक के कह रहे हैं बाबा माफ करो हमें, हम इस फसाद में आते ही नहीं है। वो समझ गए हैं कि ये कुछ और करना चाह रहे हैं। अब बड़ी हैरत होती है कि गांव का चौधरी, उसने एक घर को अपनी तरफ से अपनी कबील के बंदे को जो है चौकीदार मुकर्रर किया कि तू भाई इस घर की रखवाली करने वाला है। अब जो है वो चौकीदार जो है उसके आस के ऊपर जो है उसके जो है मतलब चौकीदारी की जिम्मेदारी के यकीन के ऊपर जो है घर वाले सो जाए, और जो है वो चौधरी जो है फिर उससे तय हुई हो कि मैं इतने बजे रात को जो है चोर भेजूंगा, आपने जो है इनके घर से ये चीज़ उठाने के लिए इनको रास्ता देना है। पहले तो ये छोटी मोटी चोरियाँ होती रही, फिर आखिरकार जो है अब जो है गांव का रस्सागीर जो है, जो चौधरी है गांव का,
वो चौकीदार को कह रहे हैं कि आप तो पूरे घर को तोड़ मोड़ देना है आपने। अब ये जो बात कर रहा हूं ये रूहानी तौर पे मेरे सामने 2017 से आई हुई है कि ये बंदा जो इन्होंने चौकीदार मुंतखब किया है ये दहशतगर्दी के हवाले से और बहुत सारे और उसने छेड़े से मसले तफरकाबाजी के भी और कुछ और भी मसले छेड़े थे कि डिक्टेशन के मुताबिक जो है मतलब है वो 71 जैसा काम दिखा इसी शर्त के ऊपर उसको एक्सटेंशन मिली थी। उसने एक्सटेंशन इसीलिए मांगी थी कि थोड़ा सा मुझे और मोहलत मिल जाए तो मैं कर दूंगा ये काम, मगर वो ना कर सका। अब जो है ये जो मैं बात कर रहा हूं इसके प्रूफ जो है वो मैं ये साइफर के हवाले से जो अल्फाज है ना उनके अंदर ये प्रूफ है, तेरी गलती माफ कर देंगे अगर तू ये करेगा। भाई कौन सी गलती? गलती यही है कि तू तो हमारे साथ वादा करके लगा था कि हम इसको तोड़ दे तो तोड़ दूंगा मैं आपके डिक्टेशन के मुताबिक, मगर तू तो तोड़ ही नहीं सका और जो है अपने ही पैसे बनाता रहे। तो उसको उन्होंने कहा तेरी गलती माफ कर देंगे, ये प्रूफ है उस बात का कि उस डिक्टेशन में कोई शर्त थी त्रोड़ मरोड़ करने की रियासत को। अब यही सूरतयाल जो है इसी इसको भी जो है वो मतलब है डिक्टेशन दी गई है कि भाई हम उस वक्त तक ग्वादर का मामला नहीं चलाएंगे जब तक ये मुल्क टुकड़े नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इनसे डर है कि हम इधर जो है काम करें और जो है ये सारी पब्लिक मुसलमान उठ के जो है कहे गए यहूदी इधर क्यों जो है अपनी सूरतयाल चला रहे हैं, क्योंकि आलमी साहूकार तो है ही वही। अब वो ये चाहता है कि मैं उस वक्त तक ग्वादर का मेला नहीं सजाऊंगा जब तक जो है मैं इस सारक ममालक के मजीद टुकड़े और जो है मजीद जो है मतलब छोटी छोटी टुकड़ियां उनकी जो है स्टेट बनाना चाह रहा हूं। ये उसका जो प्लान है इसके ऊपर जो है 2017 से मैं ये मालूमात के ऊपर मजमून भी लिख रहा हूं। इसी बुनियाद के ऊपर जो है मैं इस इलेक्शन के ऊपर भी जो है बार बार कहता था सॉरी इलेक्शन तो होते हैं अमन के लिए, इलेक्शन होते हैं किसी रियासत की खैर ख्वाही के लिए, इलेक्शन होते हैं माशरे की ग्रोथ के लिए। ये तो इन्होंने जो है बड़े अरसे से हमारी बर्बादी का मामला सोच रखा है और जो है इनके जुबानी कलामी जो बातें हैं और इनके जो अमली बातें हैं उनमें तादाद है बहुत बड़ा। जो कौम देख रही है 2-2.5 साल से कि आप लोगों ने एक अच्छी भली चलती हुकूमत को जो है एक कागज का टुकड़ा भेज के जो है उसको जो है कहा है कि तेरी बहुत सारी गलतियां हैं तो जिस शरायत के ऊपर तू इस ओहदे पे आया है तू वो काम नहीं कर सका, यानी ये निराजगी शो कर रहे हैं ये तेरी गलती है, अब इसको गलती जता रहे थे। अब उसने जो है उस गलती को सही करने से बड़ी जुर्रत से काम लेते हुए चलती हुकूमत खत्म की। अब जो है उसका टनोर खत्म हुआ, अब एक नया जो है नई शरायत के साथ शरायत वो ही उनकी, भाई उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले जो है ये प्लान कर रखा था कि हम जो है इस यूरोप को लूटने के बाद जो है एशिया को लूटेंगे। अब वो यहाँ जो एक मेला सजाना चाह रहे हैं ये उसी का प्लान है। ये ग्वादर ओमान से जो है ग्वादर जो लिया हुआ है ये इसीलिए लिया हुआ है कि ये बहुत अरसा ये पूरी दुनिया जानती है कि ये तो 100 साल एडवांस प्लान करते हैं। तो ये ग्वादर का टुकड़ा जो है मतलब है जो मान से लिया हुआ है ये उन्हीं ने लेके नथी किया पाकिस्तान के साथ, प्लान था कि हम जो है जब उनको अच्छी तरह लूट लेंगे जब वो मतलब है सुपर पावर से जो है देख रही है दुनिया के हवाई निकल गई है अब जो है ये एक इधर स्टेट बनाएंगे
मगर उनको मसला ये है कि ये जो एक मुस्लिम मुबल मुल्क है ना, इसको भी कमज़ोर करना है, इसके भी टुकड़े टुकड़े करके जो है हम इधर जो है मेला सजाएंगे। प्लान वो ये, उस प्लान के जेरे तहत मेरी पेश हुई थी, हालांकि मैं खुद भी जो है इस पेश हुई के ऊपर जो है जब लोग सवाल करते थे मुझे, या आप भी सवाल करते थे, आपने आज भी सवाल किया है, तो मैं अपनी इस पेशगोई के ऊपर जो है अब भी डटा हुआ हूँ कि ये इलेक्शन नहीं थे, ये तो फसाद डालने का एक जो है हरबा किया गया है। अब मौजूदा मैं बताता हूँ, अब जो है आर्मी खड़ी है, आर्मी के सामने ठप्पे लग रहे हैं, आर्मी के सामने ही वीडियो बनाने वाला उन ठप्पों को रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों किस लिए? अब जो है मतलब है इन्होंने 45 फार्म पहला, अब क्यों रिलीज होने दिया? अभी अगर धांधली ही का द्वारा प्रोग्राम था तो पहला पेपर रिलीज क्यों होने दिया? पहला पेपर इन्होंने जानबूझ के रिलीज किया काफी सारा, फिर ऊपर जाके जो है बोली लगी, वो क्या कहते हैं, देवी का दर्शन भी और गंगा का नहाना भी, ऐसे ही कहते हैं, गंगा का नहाना भी और देवी का दर्शन भी। इन्होंने जो है बैरूनी डिक्टेशन के ऊपर फसाद बनाना था, वो जो है बेचारा जो है उसको कहा गया कि बस तू अपनी विनर या विक्ट्री की स्पीच, हाँ वो तैयार हो जा, बस वो बेचारा पूरा खानदान लेके छत पे चढ़ गया। वो जो है फिर अखीर जो है जब उसने रिजल्ट देखा, जो कि ये 45 का फार्म जो है दे चुके थे, उसकी गिनती के सामने जो है वो समझ गया मैं तो हार गया हूँ, खामोशी से घर आ गया। उसको फिर अलाशहरी दी गई और नहीं तुझे जिताएंगे हम। वो जो है 47 जो है वो खड़ा गया, वो जिस तरह इन्होंने, ये पागल थे, जिस तरह का ये घड़के देते हैं, इनको कैलकुलेशन नहीं आती थी कि हमने जो है ये वोट जो है जमा तफरीक करने हैं, अगर इधर से 5 निकालने हैं ना तो ये 5 इधर डालने हैं, मगर नहीं वो 5 निकाले वो भूल गए, इधर 5 के बदले 10 लिखे हुए, इस तरह का तो जो है 47 फार्म बनाया। यानी जानबूझ के ये हरकतें की, जो कि अदालत में जाके जो है ये झूठे साबित हुए। अब जो है कुछ समझदार जो है सियासतदान जो है इस गेम को समझ गए हैं, वो जो है बावजूद जीत मुफ्त में मिलने के वो कह रहे हैं नहीं भाई माफ़ करो, हम हमारे अच्छे हैं, हम जो है तारीख में आइंदा गद्दार ना गिने जाएं जो काम आगे होने वाला है। और वही मैं कह रहा हूँ बार बार के जो है पाकिस्तान के जायचे में राइटा सतारा जो वक्ते पाकिस्तान के बनने के जो है खाना नंबर 1 में था, और जो है उसके सामने खाना नंबर 7, उसमें जो है तलब अंजाम हद, ये 3 टुकड़े अभी जो है ये 6 माह तक जो है ये उस सूरतयाल मुकाबले जैसी में जो है माजराई नज़र आती है, और लोगों को भी जजमेंट हो रहा है कि जो भी आइंदा हुकूमत बनेगी वो जो है मतलब कोई खास जो है ना तो मुल्क और जो है और किसी भी मामले में जो है वो खुद अपने लिए वो अच्छी नहीं चल सकेगी, आराम से जो है कोई किसी ने करने देना है। ये जिस तरह मैंने इससे पहले कहा था कि इस मुकाबले से जो है पर्ची, ये जो है मुकदमाबाजी, कागज पेपर, अब वही जिक्र हो रहा है कि जो वो 45 के फार्म जी, 47 के फार्म जी, अब इनके ऊपर मुकदमाबाजियाँ चलेंगी, इनके ऊपर जो है फिर बयानबाजियाँ होंगी, ये तो बड़ा अभी जो है तमाशा लगना है। इस तमाशे के बैकग्राउंड जो है 2 मकसद हैं, एक तो ये है कि एमरजेंसी जैसा माहौल बनाया जाए, और दूसरा ये है कि इस लड़ाई झगड़े को जो है सूबाई लड़ाई बनाई जाए, और जो है ये सोच रखा है उन्होंने कि इस तरह तो मुतहद मुल्क हम नहीं रहने देंगे,
मगर आफरीन है अवाम की कि अल्लाह ताला ने जो है उनको वो जज्बा दिया है कि अब आप लोग इकत्तर दोहरा नहीं सकते। ये है असल इस पेशगोई के हवाले से मेरा बैकग्राउंड जो रूहानी तौर पे और कुछ जो है प्रूफ भी हैं उनमें, तो उसके ज़ेरे तहत मैं बार बार कहता आया हूँ कि ठीक है इलेक्शन का ड्रामा होगा, वाल फ्रेप करेंगे, मगर उसको इलेक्शन नहीं कहा जाएगा, उसको फसाद ही कहा जाएगा। और वो फसाद ही पड़ा हुआ है, पता नहीं अब तक जो है वो कितने लोग मारे गए और कितने एहतजाज करते मारे जाएंगे बेचारे। अच्छा गातब अली शाह साहब, आपने ये भी कहा था कि पिछला जो अरसा है 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख इमरान खान के लिए बेहतर नहीं होगा। आपने फिर ये कहा था कि इमरान खान की मुश्किलात के खात्मे का आगाज़ हो जाएगा 13 तारीख से। और आपने ये भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल तारीख है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और उनके लिए मुश्किलात का आगाज़ होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जो है मतलब जिस तरह अभी आप कहते हैं वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो नहीं बन रहे हैं, तो क्या देखो ये 11 से 13 तक का जो है एक इमरान खान के लिए जो है एक अच्छा टाइम जो मैंने कहा, तो इस टाइम में जो खबरें पैदा हो रही हैं वो चलती चलती आज जो है वो सुनना कोई मसरूफियत की वजह से हुआ तो नहीं खास, मगर जो मतलब एक दो मतलब खबरें सुनी हैं वो ये है कि जमानतें हो गई हैं शाह महमूद कुरैशी की और जो है इमरान खान की, और जो है हो सकता है उस वीलागर ने तो ये भी कहा कि हो सकता है आज रात को रिहा हो जाए, तो इस शक्ल में। और दूसरा जो है वो बहुत पहले से नवाज शरीफ के हवाले से का हवाला ना दें, आप तो अपने इलम के मुताबिक बताए ना, मतलब इलम के बारे में पिछले जो है वीडियो में ये पेशगोई कर चुका था कि 11 से 13 के दरमियान इमरान खान के लिए और जो है कोई बेहतरी का मामला होना जी ठीक है, ऐसा ही आपके सामने ये कहा था नवाज शरीफ के बारे अच्छा में। नवाज शरीफ के बारे में तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आइंदा इसको जो है यानी जैसे जो है मतलब है इसको मतलब है एक सीट जितवाई गई है हार के बाद इसने वो विक्ट्री की जो है मतलब है तकरीर की किसी दबाव के जेरे तहत की या किसी भी जो है सूरत जो सही नजर आता है उसके करीबी साथी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इतना खुश नहीं है या इतना जो है उस चेहरे के ऊपर इत्मीनान नजर नहीं आता, क्योंकि उसको भी पता है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि अंदर की बातें जो हैं मतलब मेरे जैसा बंदा तो चलो दूर से रूहानियत से जो है एक स्टार की पोजीशन को देखते हुए गैस लगाता है और जो है वो मतलब सिर्फ 30% जो है इशारे देता है, तो मगर जो है बहुत सारे लोग अंदर में ये लोग जो है एजेंसियों के लोगों को खरीदते हैं अंदर की बातें लेने के लिए, उसको भी पता है कि भाई ये यहाँ जो है हमें मजबूर किया जा रहा है कि इस ड्रामे का हिस्सा बनो, कोई मुजीब बनो और कोई भुट्टो बनो। अच्छा आप एक तो अपने स्तारों के जरिए वो पेशगोई करते हैं रूहानी उलूम के जरिए और आप कोई सियासी तजिया भी उसमें शामिल कर लेते हैं, आप हमें ये बताइए कि जो हुकूमत बन रही है अभी तो यही नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है, ये कितना अच्छा चलती हुई नज़र आ रही है आपको, आपने अपने इलम के मुताबिक और देखो मेरे इलम का इस्तेमाल जो है उसका मकसद जो है मैं बताता हूँ कि मुझे एक स्टार जो है वो किसी सूरतयाल को गेम को कुछ असरात जो हैं उस तरह की हमायत करते नज़र आ रहे हैं, मगर मेरे सामने नहीं है कि ये जो स्टार बता रहे हैं कि मतलब है मिसाल 2016-17 कि स्टार बता रहे थे कि यहाँ जो है ना कोई मुल्क के साथ बुरा होने की सूरतयाल है और जो है कुछ ऐसा, अब ये बैकग्राउंड है मेरे सामने नहीं है, कोई भी किसी किस्म की भी बात नहीं है, मगर मेरे जेन में सवाल है मेरे अपने इलम और स्टार के उन जाविये के मुताबिक कि ये बाजार जो कुछ अच्छा अच्छा ग्वादर का जो है मतलब कारोबार बिजनेस पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा, ये जो है बातें सुना रहे हैं ये करना कुछ और जा रहे हैं, अब मेरे ये जेन में ये सवाल, अब उस सवाल का जवाब तकरीबन जो है मुझे 4 साल बाद मिला,
जब साइफर में ये लिखा हुआ था कि हम तेरी गलतियां माफ कर देंगे, हो इसके साथ इसका मतलब है ये पूरा काम नहीं कर पाया और इसको जतला रहे हैं कि तूने जो है साहब का सारा वक्त, बल्कि सैंक्शन भी तुझे तुझे दिलाई, तू फिर भी वो काम नहीं कर पाया, तेरी गफलत और तेरी गलतियां हैं, तू अब प्लानिंग नहीं सही कर पाया, तू गलत किया है, तेरी गलतियां माफ कर देंगे। यहां से पता चला मुझे कि मेरी उस अंदाजे का ये जवाब, मेरी उस सबका बात की जो है मतलब जो रूहानी तौर पे मुझे खबरें मिल रही थी, उस साइफर की उस लफज ने जो है दिया जवाब कि तेरी गलतियां माफ कर देंगे। आपका ये सवाल कि ये आने वाले वक्त में जो है हुकूमत जो है वो कितना अरसा चलेगी या कौन बनाएगा या किस तरह बनाएगा, अब देखो जो है जो इस बात को समझ गए हैं ना लोग, वो इमरान खान के मुखालफ भी है ना, तो वो इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, वो साबित भी हो रहा है। वो जो है बड़ी हैरत तो नहीं होती लोगों को खबरें सुन रखे, जो शदीद किस्म के मुखालफ थे इमरान खान के, वो जो है मतलब है वो अपनी जीत को जो के ये दिलवा रहे हैं हाथ जोड़ के खड़े के, नहीं भाई ये जीत अपने पास रखो, हम हारे हुए अच्छे हैं महाराज, हम इस गेम का हिस्सा नहीं बनते। अब ये चीज जो है ऐसा ऐसा सारों की समझ में आई ना कि ये चौकीदार क्या करना चाह रहा है, तो ये जो है कतर जैसा हमें मुजीब तो नहीं कहीं बनाना चाहता, तो ये सारे पीछे हटेंगे, हुकूमत जो है आखिरकार जो है उसको देनी पड़ेगी, मगर चलने नहीं देगा जी। अच्छा तो आप हमें बताइए स्टार्स के बारे में, अभी तक हम कितने स्टार्स की डिस्कस कर चुके हैं, कितने स्टार के बारे में बता चुके हैं, आज किस स्टार के बारे में आप बताएंगे? आज जो है बहुत पहले का जो है मतलब है यूरोप के एरिया में या मतलब है मगरबी ममालक में किसी शख्स ने जो है उसको मतलब है तलाश किया, ये 60 और 70 की दाइम का अरसा बनता है इसकी, तो वो है जो है नेपच्यून। अच्छा जी, नेपच्यून स्टार जो कि हूद का है और जो है ये रूहानियत से तल्लक रखता है, उन चीज़ों से नज़र रखता है जो नज़र नहीं आती मगर उन्हें महसूस किया जाता है, उसमें जो है रूहानी रेत भी आ जाती हैं जो अस्पार से खारिज होती हैं और जो है मौजूदात में जो है तगैर और तबदल पैदा करते हैं, और जो है मतलब है ख्वाबों से भी तल्लक रखता है, और जो मतलब ये रूहानी तौर पे ख्यालात आते हैं या जो है मतलब इंसान को कोई प्लान आता है या कुछ है, ये इस चीज़ से ताल्लुक रखते हैं इंसान के वजूद में, और दुनिया में जो है ये जैसे ना नज़र आने वाली मखलूक मेन जो है उसमें जिन्नात आ जाते हैं। अब इसका बनफी पहलू जो है वो है झूठ वल फरेब नौसरबाजी, यानी वो जो कि इंसान मिसाल के तौर पे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं उसके पीछे जो एक सोच है वो ओपन नहीं है, वो सीक्रेट है, यानी ये अस्रार सीक्रेट चीज़ों से तलक रखता है, वो ख्वाह अच्छी हों या बुरी हों, मतलब उसमें सीक्रेट पाया जाता है। तो मतलब है ये अस्रार जो है किसी के जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो वो रूहानियत में जो है बड़ा मतलब है लकी होता है, वो चीज़ों को देखते ही माहौल को देखते ही और किसी नई शख्सियत को देखते ही जो है उसके जेन में झमाका आ जाता है, उसका असल जो है स्केच अच्छा है ये शख्स या बुरा है ये शख्स, बज़ाहिर जो है सब ही अपने आप को अच्छा बना के पेश करते हैं मगर एंड रिजल्ट वही ज़ाहिर होता है जो उसको पहली नज़र से उसको रूहानी इतला मिलती है कि ये कैसा शख्स होगा। अच्छा, अगला सवाल करने से पहले आप ये हमें बताइए कि ये किस महीने में किस डेट में पैदा होने वाले बच्चे या लोगों के बारे में ये स्टार है? ये जो है अब 22-23 जनवरी फरवरी से 22-23 फरवरी से लेके जो है 22-23 मार्च तक का अरसा जो है ये इसका अरसा होगा, इसका बुरुज भूत है
और जिसका ये आकम स्टार है नेपच्यून, इसका दिन हफ्ता है और इसका आदत जो है वो सेवन है जी, और ये जो है मतलब है सोमवार और हफ्ते पे जो है मतलब है आत्मीयत रखता है या तल्लक रखता है। तो इंसान के जिस्म में जैसे मैंने बताया कि जो मतलब है महसूस की जाती चीज़ें उनसे तल्लक रखता है ये जी। तो आपने हमें, मैंने कहा था कि आखिरी सवाल बाद में करूँगा, आखिरी सवाल मेरा ये है इसी बारे में जो आपने जस्टार की बात की है कि इसमें रूहानी लोग भी आ जाते हैं, रूहानियत वाले इल्म वाले आ जाते हैं, नजूमी भी आ जाते हैं, पेशगोइयाँ करने वाले भी आ जाते हैं, और जो अल्लाह के वली हैं नेक बंदे हैं वो भी आ जाते हैं, जो किसी के मुस्तकबिल के बारे में पता जिनको चल जाता है किसी शख्सियत के बारे में, और फिर जो मस्त बच्चे पैदा होते हैं वो भी इसी में आते हैं, इसी स्टार में। नहीं नहीं, वो और सूरत हाल है। अच्छा, वो मतलब ज़ेन के ऊपर जो है ना बवक्ते पैदाइश या पैदाइश के बाद या दुराने अमल कोई जो है मेडिकली डिफेक्ट पैदा हो जाए तो उससे तलक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गातब साहब, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।